गुजरात के मोरबी जिले में मच्छू नदी पर बना 140 साल पुराना सस्पेंशन केबल ब्रिज रविवार शाम ढह जाने के बाद एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें अब तक 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। मोरबी में हालत बेहद भयावह है। मच्छू नदी पर बना केवल पुल ही नहीं टूटा, इस घटना के साथ ही कई परिवार भी तबाह हो गए। कहीं पिता अपने लापता बच्चों को तलाश रहा है, तो कोई माँ अपनी बच्ची के खोने के गम में डूबी है। सैकड़ों परिवार एक पल में बिखर गए हैं। पूरा गुजरात इस चीख पुकार से मातम में है और देश स्तब्ध है। इस दर्दनाक घटना के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित सभी भावुक हैं और गम में डूबे हैं। मोरबी में हुए हादसे के मद्देनजर पीएम मोदी ने अपना कार्यक्रम भी रद्द कर दिया है। दरअसल पीएम मोदी गुजरात और राजस्थान के 3 दिन के दौरे पर थे। हादसे के चलते सोमवार को अहमदाबाद में होने वाला उनका रोड शो रद्द कर दिया गया। वहीं पीएम मोदी ने इस दर्दनाक घटना के बाद बेहद भावुक होते हुए ट्वीट किया और लिखा, मोरबी में हुए हादसे से बेहद दुखी हूं। इस बारे में गुजरात के मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों से बात की। राहत और बचाव कार्य जोरों पर चल रहा है और प्रभावितों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अलावा गुजरात के मोरबी में हुए हादसे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख व्यक्त किया और ट्वीट करते हुए लिखा, मोरबी में हुए हादसे से बेहद दुखी हूं। इस बारे में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी और अधिकारियों से बात की। स्थानीय प्रशासन पूरी तैयारी के साथ राहत कार्य में लगा हुआ है। एनडीआरएफ भी मौके पर पहुंच रही है। घायलों का तत्काल इलाज करने का निर्देश दिया गया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मोरबी की इस घटना के बाद बेहद भावुक हो गए और उन्होंने भी ट्वीट करते हुए लिखा, गुजरात के मोरबी में पुल टूटने से हुई दुर्घटना का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि सभी प्रभावितों की रक्षा करें। इस दुर्घटना में हुई जानहानि अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। तो मोरबी में हुई घटना के बाद कुछ इस तरीके से पूरा देश मातम में है और 140 परिवार अभी तक उजड़ चुके हैं। मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि घायलों का इलाज लगातार जारी है। फिलहाल देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह सहित उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और पूरा देश इस वक्त गम में है और मातम में डूबा है। मोरबी में मातम फैला है और पूरा देश रो रहा है। मैं एकता नगर में हूँ, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकार को पूरी मदद दी जा रही है। बचाव कार्य में एनडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। सेना और वायुसेना भी राहत के काम में जुटी हुई है। जिन लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहां भी पूरी मुस्तैदी बरती जा रही है। लोगों की दिक्कतें कम से कम हो, इसे प्राथमिकता दी जा रही है।
हादसे की खबर मिलने के बाद ही गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई रात को ही मोरबी पहुंच गए थे। कल से ही वो राहत और बचाव के कार्यों की कमान संभाले हुए हैं। राज्य सरकार की तरफ से इस हादसे की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी गई है। मैं देश के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि राहत और बचाव के कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आज राष्ट्रीय एकता दिवस का यह अवसर भी हमें एकजुट होकर इस मुश्किल घड़ी का सामना करने, कर्तव्य पथ पर बने रहने की प्रेरणा दे रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर से चल ही रहा है और आर्मी की भी टीम पहुंच गई थी यहाँ पे लगभग रात को 3 बजे। भुज से हम लोग आए हैं, 4 हमारे पास ऐसी बोट हैं तो वो लगाई गई हैं अभी, और अभी भी कुछ बॉडीज़ जो हैं अंदर नदी के अंदर हैं, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर जो कि रिवर बेड में है उनको निकाला जा सके। फिलहाल ये क्या लग रहा है बोट के साथ साथ यहाँ पे जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात भी चला है, जिस प्रकार से आपकी टीम पूरी, कितने लोग शामिल हुए आपकी टीम में? यहाँ पे NDRF की टीम्स भी लगी हुई हैं, आप जैसे देख सकते हैं 9 से 10 बोट्स उनकी भी हैं।